हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से अपने चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने क्षेत्र के छात्रवृत्ति प्राप्त लाभार्थियों की लिस्ट कैसे निकालें और अपना भी स्टेटस चेक कर सकते हो बिना किसी के, अपने फोन से घर बैठे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गए। वीडियो को लास्ट तक देखें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर दें, यहाँ पे घंटी का निशान, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलो दोस्तों, हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो, किसी भी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो आपको वेबसाइट दी गई है उसको आपको क्लिक करना है और ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद में आप अपने स्वयं की स्कॉलरशिप का अगर स्टेटस चेक करना चाहिए तो भी चेक कर सकते हैं, और इसमें भी जो अपने क्षेत्र में आप चेक करोगे तो उसमें भी आपका नाम आ जाएगा और वहाँ भी आप अपने स्कॉलरशिप में अपने देख सकते हो कितने पैसे आपके आए हैं अकाउंट में। सारी जानकारी मिल जाएगी आपको, अपने विलेज में कितने टोटल अमाउंट आया है और कितने किन किन लोगों के आए हैं पैसे, किन किन की स्कॉलरशिप आई है, जैसे 11th 12th से लेके जो भी है कैंडिडेट। अब यहाँ पे आपको वर्ष सेलेक्ट कर लेना, अपना जो भी ईयर से वो सिलेक्ट कर लेना। हम अपने क्षेत्र की चेक करें तो अपने क्षेत्र पर क्लिक करें। उसके बाद में SC OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, मोर डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल एरिया, तो यहाँ पे आपने पंचायत समिति सेलेक्ट करें, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हो अर्बन से तो आप नीचे से जाके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी जो भी ब्लॉक पंचायत समिति है। तो यहाँ पर हम ग्रामीण क्षेत्र से ले लेते हैं पहले, तो यहाँ पर हम अपनी पंचायत समिति सेलेक्ट कर लेते हैं किसी की भी, और यहाँ पर अपन देख सकते हो अपना जो भी ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, आपकी जो भी ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल बेनिफिट्स कितने हैं, वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, कितने के छात्रवृत्ति टोटल अमाउंट कितना यहाँ पे आया हुआ है ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे कितना अमाउंट आया है और वगैरह कितनी डेट को। अब यहाँ पे देख सकते हो सीरियल नंबर आ गया, फिर एप्लीकेशन आईडी आ गई उसकी, फिर नेम बेनिफिट्स का नेम आ गया, और डेट ऑफ अप्लाई मतलब उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए कब आवेदन किया था, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और इसका इंस्टीट्यूट का नाम भी आएगा और कोर्स नेम भी आएगा, और फैमिली की एनुअल जो एनुअल इनकम होती है साल भर की वो आएगी, और यहाँ पे बिल रिफरेंस नंबर आएंगे, और डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट यानी आपको कितनी छात्रवृत्ति मिली वो भी आएगी, और ये छात्रवृत्ति कब आई थी अकाउंट में ये भी आएगा, और आधार का लास्ट के ये डिजिट भी आएंगे, और आपके जो भी हमसा कार्ड हैं उनके भी ये लास्ट के डिजिट आएंगे। इस प्रकार से आप अपने क्षेत्र की सभी की यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किन कितना पैसा उसको मिला है और वो कौन सी अभी उस इंस्टीट्यूट में है, या फिर इसको कब किस डेट को उसका अमाउंट उसके अकाउंट में आया है। इस प्रकार से आप डिटेल चेक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कमेंट जरूर करना है आपको। जय हिंद, जय भारत।